हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया गया है, किस अनफेयर तरीके से तैयार किया गया है, ये दोस्तों अब किसी से छुपा नहीं है। ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों बच्चों के केसेस हैं जिनमें बच्चों को कम नंबर दिए गए हैं, यानी उनके क्लास 11th में क्लास 10th में बहुत ही अच्छे मार्क्स थे। यदि एग्ज़ाम होते और वो पेपर देते तो बहुत अच्छे मार्क्स वो पास होते और अपने फ्यूचर के लिए वो पूरी तरीके से तैयार थे। बट रिजल्ट के आने के बाद इन सभी छात्र छात्राओं के मन में दोस्तों एक प्रकार का, हम कह सकते हो, छात्र बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। बहुत छात्र बहुत डिप्रेस्ड हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि कल 2 अगस्त से कॉलेजेस के दाखिले शुरू होने वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी दाखिले शुरू होने वाले हैं। ऐसे में जिन बच्चों के कंपार्टमेंट आई है, कंपार्टमेंट आने के बाद यदि जब सीबीएसई एग्ज़ाम लेगी, एग्ज़ाम लेने के बाद क्या उन सभी बच्चों के लिए सीटों जो रिज़र्व होंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये सबसे बड़ा सवाल है जो सीबीएसई को बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। यानी सीबीएसई को री एग्ज़ाम से संबंधित दोस्तों जितने भी आपके आपके अंदर जो बातें हैं, जो आपके डाउट्स हैं, अगर सीबीएसई जल्दी एक दो दिन में क्लियर करते तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत से बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर हम बहुत परेशान हैं, हमसे खाना नहीं खाया जा रहा। बहुत से बच्चे इतने ज़्यादा डिप्रेशन हो चुके हैं कि वो अपने कमरे से निकल नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, ये मैं रियल बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेज हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इस तरह से जिस प्रकार से अनफेयर किया गया है, ये बिल्कुल भी कतई ठीक नहीं है। यदि ये सारे जो अनफेयर किए गए हैं बिल्कुल भी इसमें लेस मात्र भी दोस्तों अगर 1% भी सच है, तो सीबीएसई को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें देर की गुंजाइश नहीं है। पहले ही रिजल्ट को लेकर काफ़ी देर हो चुकी है और अब बच्चे जब रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट आने के बाद भी उनके साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों। इसी 2 ईयर को मिलाकर तो टीचर दोस्तों भी कह रहा है कि नहीं, हमने पूरे नंबर दिए, सीबीएसई नंबर काटा। यानी आप कह सकते हैं कि एक तरफ टीचर जो है वो सीबीएसई पर आरोप लगा रहे हैं और सीबीएसई जो है स्कूलों पर आरोप लगा रही है। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। इसमें दोस्तों जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है हमारे सभी छात्रों का, हमारे सभी स्टूडेंट्सों का। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम कहें कि जो जिस प्रकार से भारत में आरोप प्रत्यारोप पर लगातार राजनीतिक रूप से खेल चलता रहता है, ये खेल छात्रों के साथ कृपया ना खेला जाए। हार्डली रिक्वेस्ट है सभी उन बड़े अधिकारियों से, बड़े शिक्षा महानुभव से, बुद्धिजीवियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सामने आइए और बच्चों के साथ जिस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, उन बच्चों के साथ साथ खड़े रहिए, उनके साथ आवाज़ उठाइए मिलकर। क्योंकि जहाँ संख्या बल ज़्यादा होता है उसी की आवाज़ सुनी जाती है लोकतंत्र में। अगर आप सभी साथ मिलकर आएंगे, सभी पेरेंट्स साथ मिलेंगे, सभी स्टूडेंट्स, यानी सिर्फ जिन स्टूडेंट के साथ धोखा किया गया है, यानी कि जिनके साथ भेदभाव किया गया, वही नहीं, सारे क्लास 12th के स्टूडेंट, सारे चाहे वो कॉलेज के हों चाहे क्लास 10th के हों, सभी विद्यार्थी इन सभी विद्यार्थियों के साथ खड़े हों ताकि इन सभी विद्यार्थियों को जस्टिस मिल सके। मेरी यही सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर हम साथ मिलकर आगे खड़े होंगे तो ये जितने भी सिचुएशन है हम अच्छे से पार पा सकते हैं। तो एक बंदा अकेले कुछ नहीं कर सकता, जब साथ एक मुट्ठी, जब आहत जो पंजे मुट्ठी बनती है तो उसमें ताकत ज़्यादा आ जाए, तो हमें एक साथ इकट्ठा होना है। तो इस तरह से बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इन सभी विद्यार्थियों का साथ दीजिए जिनके साथ अनफेयर किया गया है। दोस्तों अगर साथ देंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग, मैं उन सभी छात्रों से एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है। अगर एग्ज़ाम दिए होते तब आपकी गलती होती, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन के जो जिम्मेदार हैं वो आपके स्कूल हैं, आपके टीचर हैं, और सीबीएसई का जो क्राइटेरिया था, जो रूल था, वो जिम्मेदार है दोस्तों। क्योंकि 3 साल का जो बेस तैयार किया गया, सबसे पहले वही सवाल निशाने पर था कि किस आधार पर 3 साल का तरीका अपनाया जाएगा। तो सबसे अच्छा यही होता कि पेपर ले लिए जाते, इतना सारा जो अभी डाउट हो रखा है बच्चों के मन में कि एग्ज़ाम को लेकर, री एग्ज़ाम को लेकर, री एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर, तो वो सारे जो बच्चों को बिल्कुल उनका मन स्थिर नहीं, तो वो बताइए इतने असमंजस में, इतने डाउट्स में बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे कि एग्ज़ाम होगा तो री एग्ज़ाम। बस दोस्तों इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहिए और जल्दी से जल्द दोस्तों साथ मिलिए और इकट्ठा होइए और सीबीएसई और अन्य टीचरों के खिलाफ जिन्होंने आपके साथ भेदभाव किया है, एक जन आंदोलन खड़ा कीजिए ताकि सरकार हमारी बात सुने और आप सभी को न्याय मिले। बस यही कहना चाहता था दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को सपोर्ट देने के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से तहे दिल शुक्रिया दोस्तों। मैंने कभी इतना एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा आप सभी का, बट बहुत ज़्यादा प्यार मिला इन सभी के लिए। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद।